प्यारे दोस्तों, भारत में चांद नज़र आ गया है और कल पहला रोज़ा होगा। हम आपको आगे ये भी बताएंगे कि भारत में चांद कहां पर देखा गया है और क्या पहले भी ऐसा हो चुका है कि भारत और सऊदी अरब में एक ही दिन रोज़ा रखा गया हो, क्योंकि आज सऊदी अरब में भी चांद नज़र आया है और कल वहां पर भी रोज़ा रखा जाएगा। पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और मेहरबानी करके इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि रमज़ान का चांद देखकर मुसलमान रमज़ान के पूरे रोज़े रखते हैं और फिर चांद देखकर ईद मनाई जाती है। इस्लाम की 5 बुनियादी चीज़ों में रोज़ा भी शामिल है और हर मुसलमान आकिल बालिग मर्द औरत पर रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े रखना फ़र्ज है। अगर कोई भी इसकी फ़र्जियत का इनकार करे तो वो काफिर है। अब हम आपको बता दें कि कई बार ऐसा हो चुका है कि सऊदी अरब में और भारत में एक साथ रोज़े रखे गए हैं और एक साथ ईद मनाई गई है। ऐसा तभी होता है जब सऊदी अरब में 29 का चांद और भारत में 30 का चांद होता है। हम आपको ये भी बताते चलें कि भारत में कहां पर चांद देखा गया है, तो वो जगह है केरल। और केरल में चांद देखने के बाद वहां पर आज से तरावी शुरू हो जाएगी और कल यानी जुमेरात को पहला रोज़ा रखा जाएगा। वहीं पर बाकी जगह भारत में आज चांद ना दिखने की वजह से कल यानी जुमेरात को तरावी होगी और परसों यानी जुमा के दिन पहला रोज़ा होगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।